बीएटीएस ने एक बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल्ला फर्जी पासपोर्ट के आधार पर यहां पर रह रहा था और यह आतंकियों को आश्रय देने के साथ साथ उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करने में बेहद सक्रिय था। एटीएस और एसटीएस की टीमों ने खुफिया एजेंसियों के सूचना के बाद इनके खिलाफ मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत में तलाशी का अभियान चलाया था। एसटीएफ के एडिशनल ब्रिजेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में आज अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया और उसको मुजफ्फरनगर में पकड़ा गया है। यहां से पहले वो सहारनपुर के अम्बेहटा शेख थाना देवबंद में 2011 में रह रहा था और यहीं से उसने फर्जी दस्तावेज की मदद से पासपोर्ट बनवा लिया था। प्रारंभिक पूछताछ अब्दुल्ला ने बताया कि वो देवबंद में रहकर बांग्लादेश के फैजान की मदद से आतंकियों और बांग्लादेश के अन्य लोगों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके लिए भारत में ठिकाने तैयार कर रहा था। एसटीएफ और एटीएस अब फैजान की तलाश में है। अब्दुल्ला बांग्लादेश के प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसारुल बांग्ला टीम से भी जुड़ा हुआ है।